नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पूरन सर सादियाबाद। दोस्तों आपका बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों हम टॉर्च बियरर का सेकेंड पार्ट लाए हैं, जिसमें पार्ट वन जो था मर्चेंट वाला, उसकी ये सेकेंड पार्ट है उस वीडियो का। इसका फर्स्ट पार्ट मैं पहले से बना चुका हूँ। यदि आपने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पहले फर्स्ट पार्ट उस वीडियो का देख लीजिए, तब फिर आप इस वीडियो को देखिए। ये इस वीडियो का जो टॉर्च बियरर का जो प्रथम भाग है उसका ये सेकेंड पार्ट वीडियो में बना रहा हूँ। दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली सभी वीडियो को आप जो है सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ही वेंट अप टू ड्राइवर, यहाँ तक मैं स्टोरी आपको बता दिया था कि जो प्रथम पुत्र होता है वह दिन भर भटकता रहता है बाजार में और उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है कि वो उसको खरीद कर अपने घर को भर सके। तो अंततः उसे एक भूसे से लदी हुई बैलगाड़ी दिखाई पड़ती है और तब उसकी उम्मीद की किरणें जागती है और सोचता है कि ये भूसा मैं एक रुपया में शायद खरीद सकता हूँ, ये कितना भूसा होगा। तो ये उस बैलगाड़ी पर जो लदा हुआ जो भूसा था उसको खरीदने के लिए सोचता है। इसके बाद की जो स्टोरी है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, यहाँ तक मैं बता दिया था आपको। तब जो प्रथम पुत्र होता है उस क्या करता है, ही वेंट अप, वह जाता है टू ड्राइवर मिस ड्राइवर के पास, ऑफ कार्ट मिस बैलगाड़ी के, जो बैलगाड़ी का ड्राइवर था उस बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास वह प्रथम जो पुत्र था जो बाजार में भटक रहा था इधर उधर किसी ऐसे चीज़ के तलाश में जो उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, अर्थात ऐसी कोई चीज़ ला सके खरीद सके जो एक रुपये में घर को भर से। तो वह ड्राइवर जो बैलगाड़ी का ड्राइवर होता है उसके पास जाता है एंड इंक्वायर्ड और पूछताछ करता है अबाउट द प्राइस, प्राइस माने मूल्य के बारे में, ऑफ द हे माने भूसे के, और भूसे के मूल्य के बारे में पूछताछ करता है। देयर वॉज अ गुड डील, कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। गुड डील का मतलब ज़्यादा बातचीत होना, हैगलिंग का मतलब होता है मोल भाव करने में, ओवर माने ऊपर, द प्राइस माने होता है दाम की, जो भूसे का दाम था उस भूसे के दाम पर मोल भाव करने में काफ़ी बहस होती है। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाई, वह खरीदने के योग्य हो सका द लोड मिस लदी हुई ऑफ हे माने भूसे से, जो भूसे से लदा हुआ जो लदा हुआ भूसा था उस भूसे को खरीदने में असफल हो चुका। फॉर अ रुपी मिस एक रुपया में, एक रुपये में उस भूसे से लदी हुई जो बैलगाड़ी थी उस बैलगाड़ी पर जो भूसा लदा हुआ था उसको खरीदने में असफल हो गया। दिस वॉज इन डेज, कह रहे हैं कि ये उन दिनों की बात है, वेन ए रुपीज, जब एक रुपया में वुड बाई मीन्स खरीदा जा सकता था, अ ग्रेट डील माने बहुत बड़ी बात होती, जब एक रुपये में खरीदारी करना बहुत बड़ी बात होती थी, मोर देन इट वुड बाई नाउ, मोर देन माने अधिक से अधिक चीज़ें, बाई माने खरीदना, नाउ मीन्स अब, अर्थात कि इस समय हम एक रुपये में जितनी चीज़ें खरीदते हैं उस जमाने में एक रुपये में इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती थी, ये उन दिनों की बात है। सो इस तरह से द यंग मैन, वो जो नवयुवक व्यक्ति था जो प्रथम लड़का था, लेड ऑफ ले आया द कार्ट मिस बैलगाड़ी को विद द हे माने भूसे से लदी हुई टू हिज फादर्स हाउस माने अपने पिताजी के घर। अब जो इस तरह से उसने जो लड़का था वो भूसे से लदी हुई जो गाड़ी थी उस गाड़ी को अपने पिता के घर ले आया। होपफुली, उम्मीद में, आशा में, कि ही पिल्ड माने हुआ भरा, देखिए ही मिस हुआ पिल्ड मिस भरा इट माने इसे इन टू द हाउस माने घर में, वह आशा के साथ घर को भरा कि घर भर जाएगा इस भूसे से, वह पूरे घर में उस भूसा को भरा। बट वेन इट वॉज आल, लेकिन जब उसने ये सारा भर लिया, इन माने अंदर कर लिया, इट माने यह, वॉज आल माने सभी, इन माने अंदर कर लिया, लेकिन जब वो सारा भूसा अंदर कर लिया, ही फाउंड दैट, उसने पाया कि देर वॉज नॉट एनफ, कह रहे हैं कि देर वॉज नॉट एनफ माने पर्याप्त भी नहीं है, टू कवर मिस ढक पाना इवन द फ्लोर माने होता है फर्श, उसने यह पाया कि फर्श भी ढकने के लिए भूसा पर्याप्त नहीं है। लेट अलोन फिल द होल हाउस, अलोन मिस केवल अकेले, होल हाउस माने यहाँ पर पूरे घर को कैसे भर पाएगा,
उसने यहाँ पाया कि यह जो भूसा मैं खरीद कर लाया हूँ वो केवल फर्श को ही पूरा ढकने के पर्याप्त नहीं है, पूरे घर को कैसे भर पाएगा। तो मैं यहाँ तक हिंदी आपको बता देता हूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक का। तब वो लड़का ड्राइवर के पास गया, बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास जाता है और उससे उस भूसे के दाम के बारे में पूछताछ करता है। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बहस होती है उस दाम के मोल भाव करने में, जो भूसा का दाम था उस पर मोल भाव करने में बहुत ज़्यादा बहस होती है। लेकिन अंत में वह जो था लड़का वह भूसे से लदी हुई गाड़ी को खरीदने में सफल हो चुका, एक रुपया में। यहाँ पे कोष्टक में लिखा है कि ये उन दिनों की बात है जब एक रुपये में आज के अपेक्षा बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदी जा सकती थी। इसलिए जो यंग मैन था, जो नया लड़का था, नवयुवक जो लड़का था, वह भूसे से लदी हुई गाड़ी को अपने पिताजी के घर लेकर आया। इस उम्मीद में कि घर भर जाएगा उसने पूरे घर को भरना चालू किया, घर में उसने भूसा भरना चालू किया। लेकिन जब उसने पूरा भूसा भर लिया तो उसने पाया कि वह भूसा केवल फर्श को ही ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है, कबर में ढकना, तो यहाँ पे पूरा घर कैसे भरा जा सकता है। वेन द सेकेंड सन, जब दूसरा पुत्र यहाँ पे वेंट आउट बाहर गया विथ हीज रुपीज़, माने अपने रुपया के साथ। ही डिड नॉट गो स्ट्रेटली, ही डिड नॉट गो अर्थात वह नहीं गया स्ट्रेट माने सीधा, टू बाजार मिस बाजार, वह सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टीट मिस के बजाय डूइंग दैट माने ऐसा करने, वह ऐसा करने की बजाय माने वह सीधा बाजार नहीं गया बल्कि बाजार जाने की बजाय है ना। ही सेट डाउन, वह बैठ गया एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। जो दूसरा पुत्र था वह अपने पैसे को लेकर जब घर से बाहर निकला तो सीधा बाजार नहीं गया बल्कि सीधा बाजार जाने की बजाय वह बैठ गया और सोचने लगा। फॉर लॉन्ग टाइम माने लंबे समय तक वह सोचता रहा। ही सेट, वह बैठा थिंकिंग में सोचता रहा अबाउट माने बारे में कि व्हाट मिस क्या ही कुड बाय पॉसिबली माने संभावित चीज़ बाय माने खरीद सकता है। वह ये सोचता रहा कि वह कौन से ऐसी संभावित चीज़ खरीद सकता है। एट लेंथ, यहाँ पे लेंथ का मतलब पूरे दिन से मतलब है। एट इवनिंग, करें कि पूरे दिन के बाद शाम के समय। एन आइडिया स्ट्रेक, एक विचार आ गया, स्ट्रेक मिस आ गया, आइडिया मिस विचार, ही माने उसके अंदर उसके मन में एक विचार आ गया। टेकिंग हिज रुपीज़, उसने अपना पैसा लिया, रुपया लिया। ही वॉक क्विकली, वॉक मिस चलता गया, क्विकली माने जल्दी जल्दी, डाउन द बाजार मिस बाजार की ओर, वह बाजार की ओर जल्दी जल्दी चलता गया। टिल माने तब तक चलता गया जब तक कि ही केम टू अ शॉप, जब तक कि वह ऐसे दुकान पर नहीं पहुंच गया वेयर कैंडल, जहां पे मोमबत्ती वर सोल्ड मिस बेची जाती थी। अर्थात वह उन पैसों को लिया और सीधा ऐसी दुकान पर गया जहां मोमबत्तियां बेची जाती थी। ही स्पेंट हीज रुपीज़, उसने अपना रुपया खर्च किया ऑन कैंडल मिस, कैंडल खरीदने में, मोमबत्ती खरीदने में। ऑन विच माने जिसे, ही गॉट माने पाया, क्वाइट माने बहुत ज़्यादा ही नंबर में संख्या में। उसने पूरे रुपए मोमबत्ती खरीदने में खर्च किया और मोमबत्ती खरीदने में उसने पूरा पैसा, जिससे वो बहुत ज़्यादा मोमबत्ती, बहुत अधिक संख्या मोमबत्ती खरीद पाया। देन माने फिर, टेकिंग हिज कैंडल, उन अपने मोमबत्तियों को क्या करके लेकर, विथ हिम अपने साथ, मोमबत्तियों को अपने साथ लेकर, ही मेड हिज वे, अपने रास्ते चल दिया। बैक मिस, वापस टू हिज फादर्स हाउस मिस, अपने पिताजी के घर, अपने पिताजी के घर उन मोमबत्तियों को लेकर वह पहुंच गया। वेन ही गॉट, जब वह पहुंचा देर मिस वहाँ, अर्थात जब वह अपने घर पहुंचता है, हिज ब्रदर, उसका जो भाई था वह आज स्टैंडिंग मिस खड़ा था। डिसकॉन्सोलेटली का मतलब होता है निराश होकर के, लुकिंग माने निहार रहा था, देख रहा था, एट द हे मिस, भूसे की ओर, जो स्प्रेड आउट मिस फैला हुआ था ऑन द फ्लोर मिस फर्श पर। वह देखता है कि उसका जो भाई है वह निराश होकर अपने उन भूसों को निहार रहा था जो फर्श पर फैला हुआ था। इट वॉज नाउ, अब जो है कि गेटिंग डार्क, अंधेरा हो गया था। क्विकली मिस, जल्दी जल्दी, द सेकेंड सन, जो दूसरा पुत्र होता है, स्टूड, खड़ा किया, टू और थ्री, दो या तो तीन कैंडल्स मिस मोमबत्तियाँ, दो या तीन मोमबत्तियाँ खड़ा किया। इन ईच रूम मिस, प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कमरे में उसने मोमबत्ती खड़ा किया। देन उसके बाद फिर, ही लाइट देम, उसने उसको लाइट मिस जला दिया, दे माने उनको, उसने पूरी मोमबत्तियों को जला दिया। एट वंस, शीघ्र ही, द हाउस मिस घर, वॉज फील्ड मिस भर गया विथ लाइट मिस प्रकाश से, और शीघ्र ही जो घर था वह प्रकाश से भर गया।
हिज फादर वॉज वेरी प्लीज्ड, उसका जो पिता है बहुत प्रसन्नचित हुआ। विथ ही मिस उससे एंड सेड, और कहा उसके पिता उससे बहुत प्रसन्नचित हुए और कहें माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन, तुमने दिखा दिया है ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमानी को, तुमने सच्ची बुद्धिमानी को दिखा दिया। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, टू हैंड ओवर मतलब देने के लिए, ऑल माई मनी मैंने अपना सारा पैसा, टू यू मिस तुम्हें। यहाँ पे भाई शर्त यही थी कि दोनों पुत्रों में से जो पुत्र अपनी बुद्धिमानी को दिखाएगा, ये दिखाएगा कि कौन अधिक चालाक है, तो उसके पिता ने फैसला किया था कि जो अधिक चालाक होगा वह उन पैसों को, जो पैसा उसने कमाया है, अपने दोनों पुत्रों में नहीं बांटेगा बल्कि किसी एक ऐसे को देगा जो ज़्यादा चालाक होगा। तो यहाँ पे दूसरा जो पुत्र होता है उसने अपनी बुद्धिमानी दिखा दिया, मोमबत्ती से उसने पूरे घर को भर दिया। शर्त यही थी कि एक रुपये में ऐसी कोई चीज़ खरीद कर लाओ जो पूरे घर को भर दे। प्रथम पुत्र तो भूसा लेकर आया और वह सिर्फ फर्श को ही नहीं भर पाया, और दूसरा जो पुत्र है यह विचार करते हुए शाम को गया और मोमबत्तियाँ लाया और सभी रूम में मोमबत्तियाँ जला दिया, और जब मोमबत्ती जलाता है तो प्रकाश से पूरा कमरा भर जाता है। इस प्रकार से उसने प्रकाश से पूरे घर को भर दिया, और इससे प्रसन्नचित होकर उसके पिता कहते हैं कि तुमने अपनी बुद्धिमानी को दिखा दिया है और मैं अब तुमको अपना सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक देखिए, हिंदी हम थोड़ा सा ले चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से। जबकि जो दूसरा पुत्र है वह अपने रुपयों को लेकर, पैसा को लेकर के बाहर गया, लेकिन वह सीधा बाजार नहीं गया बल्कि वह ऐसा करने की बजाय वह बैठ गया और सोचने लगा। लंबे समय तक वह सोचता रहा, है ना, यहाँ पर देखिए, लंबे समय तक वह सोचता रहा कि ऐसी कौन सी संभावित चीज़ वह खरीद सकता है जो घर को भर दे। पूरे दिन वह सोचता रहा और शाम के समय उसके मन में अचानक एक विचार आया। उसने अपना रुपया को लिया और वह जल्दी जल्दी बाजार तब तक चलता गया जब तक एक ऐसी दुकान न आ गई जिस दुकान पर मोमबत्तियाँ बेची जाती थी। उसने अपना पूरा पैसा अर्थात एक रुपया मोमबत्ती खरीदने में खर्च कर दिया, जिससे वह बहुत अधिक संख्या में मोमबत्तियाँ पा गया। उसके बाद फिर वह उन मोमबत्तियों को लेकर के अपने साथ सीधा अपने पिताजी के घर चला आया। जब वह घर आया तो उसने देखा कि उसका भाई निराश होकर के उन भूसों को निहार रहा था जो फर्श पर फैले हुए थे। अब जो है कि धीरे धीरे अंधेरा हो गया था, तो जल्दी से दूसरे पुत्र ने क्या किया, प्रत्येक रूम में 2 या 3 मोमबत्तियाँ खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर उन्हें जला दिया। शीघ्र ही पूरा घर प्रकाश से भर जाता है। तब उसका पिता जो है उससे बहुत प्रसन्नचित होता है और कहता है कि मेरे पुत्र, तुमने अपनी सच्ची बुद्धिमानी को दिखाया है और मैं अब तुमको अपना सभी पैसा, मेरा जो पैसा है वो सारा पैसा, सारा धन दौलत मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। अब इसके आगे देखेंगे तो मैं यहाँ पर इतना दूर तक आपको पूरी स्टोरी बता चुका हूँ। ये बुज़ुर्ग आदमी, उसने अपना पूरा पैसा अपने लड़के को दे दिया। इसके आगे चलते हैं। नाउ यहाँ पे देखिए, अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है। चूँकि स्टोरी यह बताती है कि अगर आप सही बुद्धि का इस्तेमाल करें तो आप 1 रुपये में अपने घर को प्रकाशित कर सकते हैं। यहाँ पे एक लड़के ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल फालतू चीज़ों में किया और 1 रुपये में वह घर को भरता ज़रूर है लेकिन पूरी तरह से उसने अपने घर को नहीं भर पाया। यही दूसरा जो लड़का है उसने पूरा 1 रुपया खर्च किया और उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और बुद्धि का इस्तेमाल करके उसने 1 रुपये में पूरे घर को प्रकाशमय कर दिया। तो अब यहाँ पे जो लेखक हैं वो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नाउ वी आर लिव, हम लोग रहते हैं इन अ बिग, एक बहुत बड़े हाउस मिस घर में। अब हम लोग एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, विच मिस, जिसे वी मिस हम काल मिस बुलाते हैं, अवर नेटिव मतलब हमारी मात्र कंट्री मिस, देखिए यहाँ पे देश होता है अर्थात मातृभूमि अर्थात अपना स्वदेश। अब हम लोग अपने ऐसे देश में, ऐसे घर में, बड़े घर में रहते हैं जिसे हम लोग अपना स्वदेश कह के बुलाते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस अर्थात कि हम सभी में से, ईच ऑफ अस का मतलब है हम में से प्रत्येक, हैव मिस पास है, बीन गिवे मिस दिया गया है अर्थात कि हम में से प्रत्येक लोगों के पास दिया गया है, क्या दिया गया है, सम 1 रुपीस किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपीस कुछ को 2 रुपया, सम 3 रुपीस और कुछ को 3 रुपया दिया गया है, सम 4 रुपीस और कुछ लोगों को 4 रुपया दिया गया है। दीज रुपीज़ आर नाट रुपीज़, ये रुपये आर नाट मतलब नहीं है, रुपीज़ मीन्स पैसे,
ये रुपये रुपये नहीं है, या फिर ये जो पैसे दिए गए 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया किसी को 4 रुपया दिया गया है, तो ये रुपये रुपये नहीं है विथ विच जिससे वी कैन बाई थिंग्स, जिससे हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, ये वो रुपये नहीं जिससे हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, बट मिस बल्कि दे आर डिफरेंट पावर्स, बल्कि ये हमारे डिफरेंट मिस विभिन्न पावर मिस शक्तियाँ हैं, बल्कि ये हमारी विभिन्न शक्तियाँ हैं, वी हैव बीन गिवेन जो हमें दी गई हैं, जो हमें दी गई हैं ये हमारी विभिन्न शक्तियाँ हैं, वो कौन सी शक्ति है, ईच ऑफ अस हमें से प्रत्येक को हैज पावर्स माने पावर शक्ति दी गई है, ऑफ बॉडी मिस शरीर की, अर्थात हमें से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति है, तो हमें से प्रत्येक में से कह रहे हैं कि शारीरिक शक्ति है, पावर ऑफ माइंड मानसिक शक्ति है, एंड पावर ऑफ कैरेक्टर और चरित्र की शक्ति है, ईच आपस हमें से प्रत्येक लोगों के पास हैज स्ट्रेंथ मिस शक्ति है, टाइम मिस समय की, इंटेलिजेंस बुद्धिमता की, विच मिस जिसे कैन बी यूज माने हम प्रयोग कर सकते हैं, हम सभी के पास क्या है, शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, चारित्रिक शक्ति है, हमें से प्रत्येक लोगों के पास समय की और बुद्धिमता की शक्ति है जिसे हम सभी प्रयोग कर सकते हैं, एज जैसे ही वी लीव हम छोड़ते हैं स्कूल मिस विद्यालय, कह रहे हैं कि जैसे हम विद्यालय छोड़ते हैं एंड गो और जाते हैं आउट इन टू द वर्ल्ड मिस संसार में, आउट मिस बाहर, इन टू द वर्ल्ड मिस संसार में, जैसे हम विद्यालय छोड़ते हैं और संसार में प्रवेश करते हैं या सांसारिक जीवन जीना स्टार्ट करते हैं, वी आर टेस्टेड हमारा परीक्षण होता है, एज हाउ कि कैसे वी आर गोइंग हम जा रहे हैं टू यूज मिस प्रयोग करने दिस टैलेंट मिस इन गुणों का, तो हमारा इस बात का परीक्षण होता है कि हम इन गुणों का कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं, विच मिस जिसके वी आर पजेस्ट हम अधिकारी हैं, अर्थात जिन गुणों के हम अधिकारी हैं, जो गुण हमें प्रदान किया गया है, हमारा इस बात का परीक्षण होता है कि जो गुण हमें प्रदान किए गए हैं उन गुणों का हम इन गुणों का हम कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं, आर वी गोइंग क्या हम जा रहे हैं टू यूज मिस प्रयोग करने दे मिस उनका, टू बाई मिस खरीदने, यूजलेस मिस अउपयोगी या बेकार है मिस भूसा, हमारा इस बात का परीक्षण होता है कि क्या हम उस पैसे का इस्तेमाल एक यूजलेस, एक बेकार या फिर निरर्थक भूसा खरीदने में इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और या फिर आर वी गोइंग या फिर क्या हम जा रहे हैं टू यूज मिस प्रयोग करने दे मिस उनका, टू स्प्रेड मिस फैलाने में, लाइट मिस प्रकाश, थ्रॉट आउट मिस संपूर्ण आवर हाउस मिस अपने घर में, या फिर हमारा इस बात का परीक्षण होता है कि क्या हम उन गुणों का प्रयोग संसार में, या फिर यहाँ पर देखिए आवर हाउस का मतलब संसार से मतलब है, या फिर आप सीधे सीधे बोल लीजिए कि अपने घरों को भीतर प्रकाश फैलाने जा रहे हैं, हमारा ये टेस्ट होता है कि जो गुण हमें प्रदान किया गया है बुद्धिमत्ता का, जो मानसिक और शारीरिक, और जो यहाँ पे बताया गया ना तीनों प्रकार के गुण, शारीरिक गुण, मानसिक गुण, चरित्र के गुण, समय का गुण और बुद्धिमत्ता के गुण, ये सब जो गुण हैं हमारा परीक्षण होता है कि क्या हम इन गुणों का इस्तेमाल एक निरर्थक भूसा खरीदने में जा रहे हैं, या फिर इन गुणों का इस्तेमाल हम अपने घर को प्रकाशित करने के लिए करने जा रहे हैं, इस बात का हमारा परीक्षण होता है। दैट इज अवर कंट्री, जो हमारा क्या है, देश है। यहाँ पे मैंने बताया कि अवर हाउस हमारा घर, दैट मिस जो कि इज मिस है, अवर कंट्री मिस हमारा देश, कह रहे हैं कि जो हमारा देश, हमारा घर क्या है, हमारा देश है, हम अपने इस देश में उन गुणों का इस्तेमाल क्या प्रकाश फैलाने में कर रहे हैं, या बेकार की चीज़ें जैसे भूसा खरीदने वाली जैसे कार्य करने जा रहे हैं, इस बात का हमारा परीक्षण होता है कि हम अपने गुणों का इस्तेमाल कैसे कार्यों को करने में लगाने जा रहे हैं। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, इफ मिस यदि वी आर गोइंग टू अर्थात हम जा रहे हैं, टू बी मिस बनने, गुड सिटीजन मिस अच्छा नागरिक, यदि हम एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, देन फिर वी शैल यूज हमें क्या करना, हम प्रयोग करेंगे अवर पावर्स मिस अपने शक्तियों का, एंड एबिलिटीज और योग्यताओं का, टू ट्राई मिस प्रयास करेंगे, टू स्प्रेड मिस फैलाने में, लाइट मिस प्रकाश, इन टू मिस में, आल मिस सभी, पार्ट मिस भाग में, आप अवर कंट्री मिस अपने देश की। तो करें कि यदि हम एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं तो क्या करेंगे, हम अपने शक्तियों का, अपनी योग्यताओं का जो प्रयोग है या क्या करने में
अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने का प्रयास करना चाहिए, या फिर प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे फ्यूचर टेंस में है, दैट इज जो कि है, वी शैल स्पेंड, हम खर्च करेंगे अवर सेल्व्स, अपने आप को इन सर्विस में, इस सेवा में, आप अवर कंट्री में, अपने देश के। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है, कभी ये कहना चाहता है कि हम अपने आप को अपने देश की सेवा में लगा देंगे, स्वयं को देश की सेवा में लगा देंगे। यदि हम अच्छा नागरिक बनते हैं तो हम क्या करेंगे, अपनी शक्तियों, अपनी योग्यताओं का प्रयोग क्या करने में, अपने देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने का प्रयास करेंगे, और फिर हम अपने देश की सेवा में अपने आप को लगा देंगे। करें कि नो कंट्री, कोई भी देश नहीं, कैन मिस सकता है प्रोग्रेस, मिस उन्नति करना, अनलेस मिस होता है के बिना, इट हैज गुड सिटीजन, जब तक इसके पास कोई गुड सिटीजन, अच्छा नागरिक ना हो। करें कि कोई भी देश तब तक आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता, जब तक कि उस देश में अच्छे नागरिक नहीं रहे। सो दैट, इसलिए इफ वी लव आवर कंट्री, यदि हम अपने कंट्री से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वांट टू सर्विस इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो वी शैल ट्राई, हम प्रयास करेंगे टू बिकेम, इस बनने का गुड सिटीजन, मिस अच्छा नागरिक। करें कि इसलिए यदि आप चाहते हैं और अपने देश से प्रेम करते हैं, यदि आप और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको एक अच्छा नागरिक बनना होगा। यहाँ पे आगे देखिए, करें कि जब वी आर एट स्कूल, हम विद्यालय में होते हैं, दिस इज व्हाट, करें कि दिस मिस या इज मिस है व्हाट मिस, जो कि वी मिस, हमें शुड मिस करना चाहिए। देखिए, शुड मिस चाहिए, बी डूइंग मिस करना। करें कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ करना चाहिए वो क्या है, वी शुड बी ट्रेनिंग, हमें प्रशिक्षित करना चाहिए अवर सेल्फ, अपने आप को, इन सिटीजनशिप, नागरिक के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए, एंड कल्टिवेटिंग, और विकसित करना चाहिए, एंड चैरेक्टरिस्टिक, अपने चरित्रों को, ऑफ गुड सिटीजन, मतलब अच्छे नागरिक के रूप में, हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने चरित्र को और खुद को क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, और अपने आप को प्रशिक्षित भी करना चाहिए। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन मिस, फिर, वेन मिस, जब, वी लीव स्कूल, हम विद्यालय छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, और गो आउट मिस बाहर जाते हैं, डिफरेंट मिस विभिन्न पार्ट मिस भागों में, ऑफ आवर कंट्री मिस अपने देश की, तब फिर यदि हम क्या करते हैं, अपने घरों को, अपने विद्यालय को छोड़ते हैं, और यदि हम अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, तो वी शैल बी एबल, तो हम योग्य होंगे टू फिल मिस भरने में, इट मिस इसमें, विथ लाइट मिस प्रकाश, ऑफ गुड सिटीजनशिप मिस, अच्छे नागरिकता का। तो हम अपने देश में एक अच्छे नागरिकता के प्रकाश को भरने में सफल हो सकेंगे, यदि हम अच्छा नागरिक बनते हैं। तो यहाँ तक का मैं टोटल आपको हिंदी एक बार फिर से बताऊंगा, इसका हिंदी देखिएगा। करें कि अब हम लोग एक बहुत बड़े घर में रहते हैं, जिसे हम लोग अपनी मातृभूमि या अपना देश कहकर बुलाते हैं। हम में से प्रत्येक लोगों के पास कुछ दिया गया है, किसी को एक रुपया दिया गया है, किसी को दो रुपया, किसी को तीन रुपया, और किसी को चार रुपया दिया गया है। ये रुपये रुपये नहीं हैं जिससे हम कोई वस्तु खरीद सकें, कोई चीज़ खरीद सकें, बल्कि ये विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ हैं जो हमें प्रदान की गई हैं। हम में से प्रत्येक लोगों के पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है, और चरित्र की शक्ति है। हम में से प्रत्येक लोगों के पास समय की शक्ति है और बुद्धिमत्ता की शक्ति है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लोग विद्यालय को छोड़ते हैं और अपने दूसरे संसार में प्रवेश करते हैं, तो हम लोगों का इस बात का परीक्षण होता है कि जो गुण हमें, जो टैलेंट हमें दिया गया है, हम इन टैलेंट का, इन गुणों का कैसे प्रयोग करने जा रहे हैं, जिसके हम लोग उत्तरदायी हैं। हमारा इस बात का परीक्षण होता है कि क्या हम लोग इन गुणों का प्रयोग एक यूजलेस भूसा खरीदने में प्रयोग करने जा रहे हैं,
एक निरर्थक भूसा खरीदने में इन गुड़ों का प्रयोग करने जा रहे हैं, या फिर हम इन गुड़ों का प्रयोग जो है कि यहाँ पर देखिए इन गुड़ों का प्रयोग करें कि अपने घरों में प्रकाश फैलाने में करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग अपना देश कहते हैं। यहाँ पे यदि हम लोग एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, यदि हम एक अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं, फिर करें कि हमें क्या करना चाहिए, अपने शक्तियों का और अपने योग्यताओं का प्रयोग करेंगे क्या करने में, करें कि अपने देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने का हम प्रयास करेंगे। अपने शक्तियों और अपनी योग्यताओं का प्रयोग अपने देश के विभिन्न भागों में प्रकाश फैलाने का प्रयोग करेंगे और वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ, और हम अपने आप को क्या कर देंगे, ऐसा करके हम अपने देश की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देंगे। आगे है कि कोई भी ऐसा देश बिना अच्छे नागरिक के विकास नहीं कर सकता, इसलिए यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा, एक अच्छा नागरिक बनना होगा। जब हम स्कूल में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो यही वो चीज़ है जो हमें करना चाहिए। वो क्या है, कह रहे हैं कि हमें अपने आप को एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रशिक्षित करना चाहिए और साथ ही अपने चरित्र को अच्छे नागरिक के रूप में विकसित करना चाहिए। यदि हम सिर्फ इतना कर लेते हैं, तो फिर जब हम विद्यालय को छोड़ते हैं और अपने घरों को छोड़ते हैं तथा अपने देश के विभिन्न भागों में जाते हैं, तो फिर हम क्या करने के योग्य होंगे, एक अच्छे नागरिक के प्रकाश को अपने देश में भरने के योग्य हो सकेंगे, अर्थात कि हम अपने देश में प्रकाश फैला सकेंगे। तो दोस्तों, इस स्टोरी को जो टॉर्च बेरर का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं हमें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके आल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप इस चैनल पर अपलोडेड सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।